इसलिए मैं जो है इसको यूज कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ समझाओ जिससे कि आप समझ पाओ कि हाँ क्या क्या इसमें पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने यू शेप का वायर है जो कि रिकॉर्डिंग, तो यू शेप के वायर में क्या कहना चाह रहा है कि कुछ कॉनकेव मिरर है जिसके सामने ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है और इनका क्वेश्चन ये है, ये चाहते हैं कि फाइंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। सर तो अगर साइज ऑफ इमेज की ये बात कर रहे हैं तो इसमें आप समझ रहे हो कि एक पार्ट नहीं है, बेसिकली है क्या क्या इसमें कि ये एक यू शेप का वायर है। यू शेप के वायर का मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल भी ये है और वर्टिकल भी है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीजें यहाँ पे हमारे पास दिख रही हैं। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को हाइट वाइज भी देखा और लेंथ वाइज भी देखा। तो सबसे पहले मैं एक नेम दे देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट का नाम ए, सेकंड पॉइंट का नाम बी, सी और डी। मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, यू ए इज इक्वल टू, मेरे पास आप देखोगे तो अवेलेबल है, क्या है यू ए, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ देखो हमारे पास अवेलेबल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स फोकल लेंथ में बोल सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अवेलेबल बोलो या फोकल लेंथ, सेम चीज हुआ, माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये किसके लिए बात कर रहे हो आप, फॉर द पॉइंट ए के लिए, जो इमेज फॉर्म होगी वो भी पॉइंट ए के लिए। फोकल लेंथ तो सबके लिए कॉमन रहेगी, यू की वैल्यू -30 आपने प्लेस किया, फोकल लेंथ की वैल्यू आपने 10 सेंटीमीटर प्लेस किया, तो यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन ऑफ इमेज आपके पास आएगा, फर्स्ट लोकेशन ऑफ जो इमेज आएगा वो कुछ 15 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास या वीडियो में इतना हम लोग नहीं दिखा सकते। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर आएगी ए का। अब सेम मैं बी के लिए भी काम कर सकता हूँ, यू बी इज इक्वल टू मेरे पास बेटा हो जाएगा माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर, और अभी भी फोकल लेंथ हमारे पास सेम रहेगा माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब मैंने फिर से क्या किया, पोजीशन ऑफ बी निकाला बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे फिर से मिरर फॉर्मूले से तो 40/3 सेंटीमीटर आएगा, विथ नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ 40/3 सेंटीमीटर। ये वी ए आगे वी बी आके, तो जरा सोचो आपकी 15, 30 टोटल था, ये होगा 15 इसका, और 40/3 को आप देखोगे 13.33 देगा वो, 13.33 मतलब ये लोकेशन कहीं यहाँ पे आएगी बी की और यहाँ पे आएगी ए की, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तो वायर की लेंथ हमारे पास ये अवेलेबल होगी, इसका मैं कलर चाहूँ तो चेंज कर देता हूँ, जो वायर की लेंथ हमारे पास अवेलेबल होगी वो ये वाली हो जाएगी, ठीक। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट और भी है जो कि नाम है उसका ए डी और एक का नाम है बी सी, दैट मीन्स कि मुझे इनकी भी लेंथ निकालनी पड़ेगी कि इसका इमेज का फॉर्मेशन कितने साइज का हुआ इस वाले ऑब्जेक्ट, और सेम मुझे निकालना पड़ेगा कि इस वाले का इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ। तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता था मैग्निफिकेशन का, जिसको प्रॉब्लम हो मेरा यूट्यूब पे सक्सेस मंत्रा चैनल पे आप वीडियो लेक्चर 2 दे सकते हो, जिसमें कि स्फेरिकल मिरर के लिए मैंने अलग से उस पर थ्योरी बना के दी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्निफिकेशन जो मेरे पास अवेलेबल होगा बेटा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक तो आप जानते ही हो, माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड फॉर्मूले की जो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, एफ अपॉन यू माइनस एफ। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि डायरेक्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ए डी का निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन ऑफ ए डी लेंथ की अगर निकालना चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, फोकल लेंथ आपके पास फिर से अवेलेबल है माइनस 10 सेंटीमीटर,
यू आपके पास अवेलेबल है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -10 वैल्यू डालोगे तो ये हमारे पास जो देगा वैल्यू वो -10/2 देगा, -10/2, दैट मींस 5 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो कि एडी की जो लेंथ आएगी इमेज वो 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये हो गई एडी की। अब मैं बात करूं अगर एबी का, सॉरी बीसी का, तो उसके लिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, अब स्क्रीन मेरी फुल हो गई है तो मैं ऊपर से एक पार्ट को इरेज करता हूँ, जो काम की चीजें उसको मैं रख लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। अब मैं बात करूं कि मैग्निफिकेशन बाय द बीसी, बीसी की वजह से मैग्निफिकेशन अगर आप निकालते हो तो आपके पास फिर से वही फॉर्मूला अवेलेबल है, एफ अपॉन यू माइनस एफ, फिर से वैल्यू प्लेस करोगे फिर आपके पास वैल्यू देगा ये 1/ कुछ, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 10/3, 10/3 आप वैल्यू प्लेस करके देख लेना 10/3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि बीसी की जो इमेज की लेंथ आएगी आप बोल सकते हो इमेज की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 10/3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3.33। और एडी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी बेटा 5 सेंटीमीटर, सही है। तो ये बेसिकली जो इमेज आपको दिखाएगा वो कैसी इमेज दिखाएगा मैं उसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, जो इमेज ये दिखाएगा कुछ इस टाइप की दिखाएगा, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये आपके पास हुआ ए पॉइंट 15 पे फॉर्म हुआ था, बी पॉइंट जो फॉर्म हुआ था वो 13.33 पे हुआ था, और अगर ये बी पॉइंट यहाँ पे फॉर्म हुआ था तो ये एडी की लेंथ हो गई, एडी यहाँ पे कहीं आएगा, एडी आप देख लो कितना 5 सेंटीमीटर है बराबर, और ये हो गया आपके पास 10/3, दैट मीन्स 3.33 सेंटीमीटर। ये लेंथ हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर ली थी, 15 माइनस 15, ये इसकी ए की पोजीशन थी और इसकी जो वैल्यू थी 13.33 थी, तो 15 माइनस 13.33 करोगे तो कुछ आएगा 2.67 करके, 2.67, ठीक है। अब इन तीनों का जो एडिशन होगा दैट इज द फाइनल लेंथ ऑफ वायर, जो इमेज उसको दिखेगी आपको वो फाइनल इमेज इनकी टोटल तीनों का एडिशन दिखेगा, दैट मीन्स अगर मैं अब यहाँ पे टोटल लेंथ इनकी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 3.33 प्लस 2.67, अब इन सबको ऐड करोगे तो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर का इसका वैल्यू आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक्चुअल में लगाने की कोशिश तो सब लोग ये करते हैं कि फाइंड आउट कर लो इसमें क्या लैटरल मैग्निफिकेशन से, लैटरल मैग्निफिकेशन का थ्योरी अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो 2 सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड कर रखा है, जिसको भी आप अपलोड कर रखा है जिससे कि आप उससे डील कर सकते हो, उसको समझ सकते हो क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं 11, 9 कहीं आगे पीछे हो गया होगा, मैं देख के बता दूंगा। इसमें क्या कह रहा है, कंटिन्यूमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल टेबल, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू इज पेवर्ड इनटू इट अप टू द हाइट ऑफ एच, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट द इमेज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रखें जो कि वापस उसी लोकेशन पे इमेज का फॉर्मेशन वो कर पाए। तो अगर उसी लोकेशन पे इमेज फॉर्म आप करना चाहते हो तो मींस क्या हुआ कि
ये बेसिकली है क्या क्वेश्चन में, ये कुछ भी शेप का हो लेकिन हमको दिखा क्या रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 9 नहीं मिला, 11 की पहले बात कर लेते फिर 9 देख लें। कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आर कैप्टन हॉरिजॉन्टल टेबल द वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस स्टोर्ड इनटू इट हाइट ऑफ एच, इसमें वाटर प्लेस कर दिया गया है, अगर इसमें वाटर प्लेस कर दिया गया है अप टू द हाइट ऑफ एच, तो आप देख सकते हो, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा डील करता हूँ, सेम इसी टाइप का डायग्राम बनाएंगे हम लोग, और इसमें वाटर का लेवल हमने कुछ ये रखा, एच हाइट तक हम लोगों ने इसमें वाटर फिल कर दिया एच हाइट तक, और ये हमारे पास था कुछ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल कर दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर इसमें वाटर फिल किया आपने तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक प्लेन सरफेस फॉर्म कर रहा है। अगर ये प्लेन सरफेस फॉर्म कर रहा है तो इसकी थ्योरी आपको मिलेगी वीडियो लेक्चर ऑफ 3 में, उसमें क्या दिया होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस में भी रियल और अपेरेंट की थ्योरी मैंने अलग से दी। तो रियल एंड अपेरेंट की थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने दे रखा है, इसका सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अवेलेबल है वो आर है, और इसकी हाइट जो अवेलेबल है वाटर की वो एच है। तो इनका कहना क्या है, जरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब ये चाहते हैं कि इमेज उसी पॉइंट पे फॉर्म हो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो। तो आप जरा इसकी सिचुएशन देखोगे तो कुछ ऐसी फॉर्म होगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, वापस रेज रिफ्रैक्ट बैक होगी और फिर से उसी लोकेशन पे जाना चाहिए, फिर से उसी लोकेशन पे ये अपनी इमेज का फॉर्मेशन करे, दोनों साइड से ऐसा होगा, रेज आएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक सेम मीडियम में होगी और उसी पॉइंट पे जाएगी। तो आप ये देखो कि ये जो सरफेस है वो कैसा है, प्लेन सरफेस है, अगर ये प्लेन सरफेस है तो हम लोगों ने जो रियल अपेरेंट पढ़ा था वो प्लेन सरफेस के लिए बात किया था, कि अगर वाटर सरफेस हमारे पास स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से रियल अपेरेंट की बात करते हैं। तो इनका अगर मैं इस वाटर सरफेस से पोजीशन पूछूं तो कितनी है बेटा, आर माइनस एच, जो पोजीशन ऑफ इमेज आप फॉर्म करना चाह रहे हो कहाँ पे करना चाह रहे हो, आर माइनस एच पे करना चाह रहे हो, और ऑब्जेक्ट भी आप चाह रहे हो कि उसी लोकेशन पे रखा रहे, और नीचे का जो सरफेस है वो कैसा दे रखा है इन्होंने, नीचे का सरफेस जो हमारे पास अवेलेबल है वो कैसा है, उसमें वाटर है और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास अवेलेबल है म्यू। तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब कहाँ पे हो गया, डेंसर मीडियम में, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा, रियल मीडियम में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, रियल अपॉन अपेरेंट, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रियल अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू। रियल आपके पास कितना भाई, आर माइनस एच, अपेरेंट की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मैं एच डैश का नाम दे दू इज इक्वल टू म्यू। तो आपको चाहिए क्या कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी लोकेशन पे इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, दैट मीन्स एच डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर माइनस एच अपॉन म्यू। बात समझ में आई, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी लोकेशन पे इमेज फॉर्म करना चाह रहा, तो ये जो लोकेशन थी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर माइनस एच। क्यों आ जाएगी, क्योंकि टोटल रेडियस हमारे पास अवेलेबल है, हाइट ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल है, तो सीधा फॉर्मूला हमने लगा दिया, रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू, और रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू डाल दिया तो हमारे पास रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आर माइनस एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू म्यू। तो एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर माइनस एच अपॉन म्यू। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसमें भी वीडियो मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जब आपको ये वापस क्वेश्चन थ्योरी प्रॉब्लम लगे तो लेक्चर नंबर 3 आप देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, सही है। एक मिनट, इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन छूट गए 9 नंबर का, वो मैं आपको एक मिनट दे देता हूँ।
टेन नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि पार्टिकल गोज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू आउट इट सेंटर, द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड मिरर इज ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म बाई द इमेज। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं अगर आप देखो तो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि आपको केवल और केवल एक डायग्राम पता होना चाहिए। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर और एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका रेडियस ऑफ सर्कल दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ मैं कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमारे पास अवेलेबल है माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, प्लेस विद द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू आउट द सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर द प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड मिरर ऑफ द मिरर सेंटर इज 30 सेंटीमीटर, इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो कितना बेटा 30 सेंटीमीटर है। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इनको चाहिए क्या कि साइज ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म बाय द इमेज। अब ये यहाँ पे इस मिरर के आगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराओगे तो क्या होगा कि वो इमेज फॉर्म करेगा, तो उस इमेज का रेडियस चाहिए, उस इमेज का रेडियस चाहिए। तो उस इमेज का अगर रेडियस आपको फाइंड आउट करना है तो आप एक काम कर सकते हो, सीधे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो। सीधे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो एफ अपॉन एफ यू माइनस एफ, जिसमें कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। एफ आपके पास कितना बेटा माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यू आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इनको अगर आप देखोगे तो माइनस टू बाई माइनस थ्री, मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 बाई 10। तो 20 बाई 10 का मतलब हुआ कि 2 टाइम्स बोल सकता हूँ क्या मैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना टाइम्स हो गया बेटा 2 टाइम्स हो गया। अगर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर थी तो दैट मीन्स कि हाइट ऑफ इमेज की अगर आप बात करोगे तो हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई करोगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम, तो एम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो ये सर्कल फॉर्म करेगा अपने इमेज का, वो सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब इससे एक बड़ा सर्कल का फॉर्मेशन ये करेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इन सब की थ्योरी आपको देखनी है तो आपको वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे तो आप क्लियरली उसको समझ पाओगे कि हाँ क्या क्या दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एससी वर्मा, इसको आप देख लो। इसमें कह रहा है कि पॉइंट सोर्स एस प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर्स हैविंग द फोकल लेंथ एफ शोन इन द फिगर, द फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म, एक इमेज का फॉर्मेशन इसको चाहिए। उसके लिए इसका कहना यह है कि हम लोग क्या करें, ऐसा डी का सेपरेशन क्या रखें जिससे कि सिंगल इमेज फॉर्म। तो इसका आप रे डायग्राम अगर आप देखोगे, रे डायग्राम के केसेस अगर आपको पता होंगे तो इजिली आप काम कर सकते हो। इसमें एक इमेज फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जबकि ये जो इमेज फॉर्म करे वो उसको दूसरा वाला एज ए ऑब्जेक्ट की तरह डील करे। सपोज दैट कि ये फोकस पे रखा हुआ तो ये इमेज कहाँ फॉर्म करेगा बेटा, इन्फिनिटी पे करेगा। अगर ये इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म करेगा दैट मीन्स पैरेलल लाइट जाएगी। सेकंड मिरर के लिए अगर पैरेलल लाइट आई तो ये क्या करेगा, वापस उसको फोकस पे कन्वर्ट कर देगा। उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, फोकस पे। दैट मीन्स कि दोनों का फोकस अगर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल इमेज का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स कि एफ की वैल्यू यहाँ से भी अपने को वही दिखे और वहां से भी एफ दिखे, ये एफ हो गया और ये भी हमारे पास एफ हो गया सेंटर से लेके पोल तक। दैट मींस 2F अगर इनके बिटवीन का आप सेपरेशन रखते हो तो एक ही पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन ये करेंगे
किसी दो पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ मिल गया आपने को, ठीक है। 9 वाले में बोलना नहीं चाह रहा था, बार बार 9 का नाम दे रहा था कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय द स्फेरिकल कॉन्टूर मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.6 मीटर। द डायमीटर ऑफ द मून इज 345 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस। आपको वैल्यू सब अवेलेबल करा रखी इन्होंने, केवल ये काम करना चाह रहे हैं कि उसका मून का डायमीटर क्या होगा, इमेज का डायमीटर क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि इस तरीके से कहीं मून की लाइट आएगी। ये हमारे पास कंकेव मिरर, ये लाइट आई इधर से रिफ्लेक्ट होके बाहर चली गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कहीं मून का फॉर्मेशन था, मतलब ऑब्जेक्ट मून की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन वो लोकेशन कुछ ये थी। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बोल रखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू, डायमीटर मीन्स रेडियस भी बोल सकते हो आप, उसका हाफ कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 3450 किलोमीटर दे रखी है। और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास अवेलेबल है, 3.8 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। अब इनका कहना यह है कि फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है, फोकल लेंथ 7.6 मीटर है। अगर फोकल लेंथ मेरे पास अवेलेबल है तो मैं एक काम ये कह सकता हूँ कि इसको एज ए इनफाइनाइट की तरह डील कर सकता हूँ क्या भाइयों? अगर इसको इनफाइनाइट की तरह मैं डील कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, उसके फोकस पे होगा। सोचो जरा, 3.8 × 10⁵ किलोमीटर, इट्स नॉट ए स्मॉल डिस्टेंस, इट्स वेरी 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 लॉन्ग डिस्टेंस। सो दैट इट्स बिहेव एज लाइक द मून बिहेव एज लाइक द इनफाइनाइट पोजिशन, और इनफाइनाइट पोजिशन की तरफ बिहेव करेगा तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इसके फोकस पे होगी, सही है। इसके फोकस पे इमेज फॉर्म हो गई, तो हमारे पास अब कैलकुलेट क्या करना है, ये चीज कैलकुलेट करनी है, जिसको उन्होंने डायमीटर ऑफ द इमेज बोला है, मून का जो इमेज फॉर्म होगा उसका डायमीटर चाहिए हमको। तो मून का डायमीटर में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और उसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो किसी तरीके से अगर इस एंगल की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें, इस वाले एंगल की, तो मेरा काम तो बन जाएगा। काम कैसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है और इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के मैं काम कर लूंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वैल्यू अवेलेबल है, केवल एंगल मुझे चाहिए। तो एंगल क्या बड़े वाले ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हम लोग? बड़े वाले से कैलकुलेट करने का मीन्स ये क्या हुआ, 3450 का हाफ अगर कर दिया, 3450/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास अवेलेबल है, तो 10 थीटा लगा के मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? 10 थीटा अप्लाई करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, 10 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई, इसको डिवाइड करोगे तो 1725 आ जाएगा, 1725, और ये हो गया हमारे पास 3.8 × 10⁵, ये हो गया 10 थीटा। अगर 10 थीटा मेरे को यहां से अवेलेबल हो गया तो दूसरे वाले केस के लिए मैं 10 थीटा लगा सकता हूँ, थीटा दोनों के लिए सेम रहेगा, ट्रायंगल्स के लिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो 10 थीटा अगर मैं उसके लिए भी लगा दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, नेमिंग कर दूं ओ ए बी, तो मेरे पास 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए बी का डबल, ए बी तो रेडियस हो गया, हमको डायमीटर ऑफ इमेज चाहिए, तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और किसकी अवेलेबल है भाई, 10 थीटा की वैल्यू अवेलेबल है, तो ए बी निकाल सकते हैं क्या, ए बी निकाल के उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर ऑफ मून आ जाएगा। दैट मीन्स इसमें फॉर्मूला एक्चुअल में हम लोग लगा रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इसको, 10 थीटा की वैल्यू हमारे पास वहीं से देख के मिली थी, हालांकि
तो ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू टेन थीटा। ओ ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकस को मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, टेन थीटा से, जो आपने ऊपर से वैल्यू कैलकुलेट की थी 1725 डिवाइडेड बाई 3.8 10 to power 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेडियस की वैल्यू ये देगा हमारे पास कुछ 1 मिनट, रेडियस जो आएगा हमारे पास 0.034 आएगा, जो इसकी ए बी की वैल्यू आएगी 0.03 आएगी। इसको डबल कर दोगे आप, ए बी का डबल आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या दे देगा बेटा, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट, थोड़ा अलग था, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का फॉर्मेट यूज हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको डील किया स्पेशल क्वेश्चन समझ के। ठीक है, इसके आगे की बात करें, अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर स्टैंड हाफ ऑफ द डीप इन द स्विमिंग पूल विथ वाटर लेवल ऑफ 50 सेंटीमीटर हायर देन द बेड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर 1.33, सनलाइट इज कमिंग एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल ऑन द बेड। तो पहले तो आप स्विमिंग पूल का एक डायग्राम सा बना लो, स्विमिंग पूल का आप डायग्राम सा ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुछ ये, ये वाटर का लेवल दिया हुआ है और इसमें हम लोग जो कर रहे हैं वो हाइट भी दे रखी इन्होंने वाटर के लेवल की, कितनी दे रखी इन्होंने भाई, ये कुछ रिक्वायर्ड है 50 सेंटीमीटर। ये हाइट हमारे पास जो अवेलेबल है 50 सेंटीमीटर। एक 1 मीटर का पोल है जो कि 50% इनसाइड है, हाफ इनसाइड है, हाफ आउटसाइड है, और 45 डिग्री एंगल पे एक रेज आ रही है जो कि उसको इमेज का फॉर्मेशन चाहिए कि इमेज कैसे फॉर्म कर रही है। तो कुछ एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि यहाँ पे पोल रख दिया, 50% आउटसाइड है, 50% इनसाइड है, 45 डिग्री एंगल पे कोई रेज एंटर कर रही है। थोड़ा ऊपर बन गया था डायग्राम, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आई गया। तो ये जो हमारे पास 45 डिग्री एंगल पे रेज आ रही है उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए स्ट्रेट यहां तक आएगी, यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जितना एंगल से आई 45 डिग्री एंगल से आई 45 डिग्री एंगल से ही रहेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, सब लोग बोल सकते हैं क्या, जो रेज है वो यहाँ पे भी 45 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करेगी, कंफर्म है? तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, ये 50 है, 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि 10 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी 55 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। अब रेज का एक्चुअली पाथ यहाँ से चेंज हो रहा है, अभी तक तो वो एयर मीडियम में थी, अब क्या करेगी वो रिफ्रैक्ट होगी, अगर वो रिफ्रैक्ट होगी तो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा डाइवर्ट होगी, अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट होने का मीनिंग क्या हुआ कि वो कहीं यहाँ पे इस पी पॉइंट पे जाके मिलेगी। ठीक है, तो शैडो का लेंथ अपने को चाहिए, शैडो की लेंथ निकालने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये बोल दूं कि ये तो 50 सेंटीमीटर अवेलेबल है ही मेरे पास, केवल ये छोटा सा पार्ट मुझे और कैलकुलेट करके मुझे ऐड करना, वो पार्ट कैलकुलेट करके ऐड करने के लिए मुझे आर रिक्वायर्ड, ये जो एंगल है वो निकाल लूं तो ये वर्टिकल हाइट 50 है तो मेरा काम बन जाएगा।
अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूं। अब ये अगर कोई किसी को नहीं पता स्नेल्स लॉ क्या है तो फिर से मेरा वीडियो नंबर 3 आप देख सकते हो सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पे, आपको वहां पे स्नेल्स लॉ मिल जाएगा और कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना बेटा 1 है। अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 × sin 45 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n इंटू साइन आर। ठीक है, 1/45 कितना हो गया बेटा 1/√2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं डिवीजन में डालूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि 4/3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 आपके पास ऊपर रहेगा और ये हो गया आपके पास साइन आर। तो साइन आर की एक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो गई। अगर साइन आर मेरे पास अवेलेबल हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अब मुझे कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा। ये अज्यूम कर लिया मैंने एक्स, तो इसको कैलकुलेट करने में अब टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टेन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो साइन आर का फॉर्मेट जो है उससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या टेन आर की? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल लूंगा भाई? क्योंकि मेरे पास अगर हाँ, तो टेन की वैल्यू अगर आप निकालोगे साइन आर का ट्रायंगल यूज करके, अगर आप ट्रायंगल यूज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 तो ऊपर है तो ये हो जाएगा आपके पास 3। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 4√2। तो इसके बेसिस पे आप बॉटम निकालोगे तो ये आ जाएगा इसका √23। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार कर लेना। तो ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल। अब यहां से अगर आप टेन आर लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है। टेन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 3/√23। टेन आर की वैल्यू आ गई। अब टेन आर की वैल्यू अगर मेरे पास ये है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स एक्स अपॉन दिस हाइट। इन दोनों को इसके इक्वल लिख दूं तो एक्स अपॉन ये वैल्यू कितनी बेटा 50 सेंटीमीटर है, सबको मालूम है ये, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो अगर अब आपको एक्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्या? एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, कि आपने एक्स इज इक्वल टू लिख दिया 3/√23 × 50 सेंटीमीटर। तो इसकी कैलकुलेशन जो देगी आपको वो 31 point something देगी, 31.50 कुछ देगी। एक्स की जो वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आएगी वो 31.50 सेंटीमीटर देगी। अब ये हमारे पास x अगर 31.50 आ गया तो टोटल डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या, प्लस 50 और ऐड कर दो आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये वैल्यू तो 50 थी 10 45 से, अगर ये 50 थी ये 31.50, दैट मींस टोटल शेडो का जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कितना हो जाएगा 81.50। सही है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो अच्छे काम के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो हम लोग इस पे अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 हो गया, अब आता है 16। उसी टाइप का फॉर्मेट ये भी है। स्मॉल पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन द सरफेस ऑफ 2.5 meter डीप लेक, वेयर डज द शैडो फॉर्म ऑन द बॉटम व्हेन द सन इज जस्ट सेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपके पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आपने देख रखा होगा, डाउट आया इसलिए आप वीडियो देखना चाह रहे हो, तो मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने।
इसमें आपने वाटर फिल कर दिया पूरा, वाटर अगर आप यहाँ फिल कर दे रहे हो, थोड़ा सा कोशिश में कर रहा हूँ कि अच्छा दिखाऊंगा आपको, हालांकि इसमें अच्छे खराब की बात नहीं होती, कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बस उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं। फिर भी अब आपके पास इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया, स्मॉल पीस ऑफ फूड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ 2.5 मीटर डीप, जो ये हाइट दे रखी है वो 2.5 मीटर, ठीक है 2.5। अब अगर ये पोजीशन हमारे पास हाइट दे रखी है और कोई वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रहा है इसको, वो भी किस सनलाइट से, जो पैरेलल आ रही है, पैरेलल मतलब 90 तो आप नहीं बोल सकते हो, सनसेट हो रहा है दैट मींस आप अप्रॉक्स बोल सकते हो कि पैरेलल आएगी, पैरेलल आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो सही आएगी लेकिन इसके बाद इसको रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इसके बाद इसको रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा तो कुछ वाटर सरफेस मिलेगा इसको और वापस रिफ्रैक्शन करके कहीं यहाँ पे आएगी, तो फिर से वही चीज हो गई कि हमारे पास जो शेडो का फॉर्मेशन है वो यही वाली लेंथ रहेगी, ये हाइट हमारे पास अवेलेबल है, ये नॉर्मल के साथ कुछ आर एंगल फॉर्म करेगा, नॉर्मल के साथ कुछ आर एंगल ये फॉर्म करेगा, या थीटा बोल सकते हो आप, रिफ्रैक्शन एंगल, इसलिए मैंने आर का नाम दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल है 4/3, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सीधे इसमें भी स्नेल्स लॉ लगा दो आप, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया अप्रोक्स, एयर मीडियम है तो 1 sin 90 इज इक्वल टू एन मीन्स 4/3 साइन आर, तो साइन आर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा क्या, साइन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ठीक है। साइन आर अगर मेरे पास 3/4 आया तो मैं फिर से वही 10 वाला कंसेप्ट लगा दूं भाई, 10 वाला कंसेप्ट अगर मैं लगाऊंगा तो साइन की वैल्यू अगर मेरे पास अवेलेबल हो गई तो 10 की वैल्यू भी अवेलेबल हो जाएगी, ये हो गया आर, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो बॉटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, हो √7, तो 10R आप निकाल लोगे यहाँ से, 10R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10R की वैल्यू जो हमारे पास रहेगी यहां से देखोगे आप ट्रायंगल से, तो एक्स अपॉन ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 2.5। अब तो एक्स निकाल लोगे जैसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वही काम आप करोगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 × 10R, 10R की वैल्यू इस ट्रायंगल से आप प्लेस कर दो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2.84 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 16, जिसको कि आप इजीली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं से आप नंबर ढूंढ लोगे और कॉल कर लेना, अगर कुछ समझ में तब भी नहीं आ रहा है तो, लेकिन पहले कोशिश ये करना कि आप उसका वीडियो देखो, किसका, थ्योरी का, थ्योरी का वीडियो देखोगे तो ही वो समझ में जल्दी आएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं हम लोग। 17 एक केवल कंसेप्ट पे बेस्ड है, 17 क्या बोलना चाह रहा है देख लो जरा पढ़ के। एन ऑब्जेक्ट पी फोकस्ड ऑन द माइक्रोस्कोप एम एंड द ग्लास स्लैब थिकनेस 2.1 सेंटीमीटर एंड रिड्यूस बिटवीन द पी एंड एम, इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब 1.5, व्हाट डिस्टेंस शुड बी माइक्रोस्कोप बी शिफ्टेड टू फोकस द ऑब्जेक्ट अगेन, अगेन फोकस करने के लिए उसको कहाँ पे वो प्लेस करें। तो इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास ये पॉइंट पी दिया हुआ है और एक आपने माइक्रोस्कोप यहाँ पे कहीं रखा होगा, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल रियल और अपेरेंट का ही कंसेप्ट लग रहा है, रियल अपेरेंट में आपको शिफ्टिंग देखनी है कि इसकी इमेज की शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है, ध्यान से देखो कह रहा है ना, व्हाट डिस्टेंस शुड बी द माइक्रोस्कोप शिफ्टेड टू फोकस द ऑब्जेक्ट अगेन, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हो, आप देख कहाँ से रहे हो, ग्लास के ऊपर से देख रहे हो तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि वो जो माइक्रोस्कोप रखा है वो एयर मीडियम में है और ये किस में बेटा, ग्लास मीडियम में, दैट मीन्स देयर विल बी ए प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज भी होगी, शिफ्टिंग ऑफ इमेज का फॉर्मूला आपको फिर से डाउट हो तो आप सक्सेस मंत्रा वीडियो चैनल पे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 देख लेना आप,
तो एच जी डेल्टा एच इज इक्वल टू एच वन माइनस वन बाई एन. डेल्टा एच मीन शिफ्टिंग आपको चाहिए, हाइट उन्होंने भाई साहब ने दे दी थी. अगर हाइट उन्होंने दे दी थी तो क्या कर सकते हैं अपन लोग, अब सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. हाइट अगर हमारे पास अवेलेबल हो गई तो हाइट कितनी दे रखी भाइयों, हाइट दे रखी इन्होंने 2.1 सेंटीमीटर. अगर ये 2.1 सेंटीमीटर है दैट मींस सेंटीमीटर 1 माइनस 1 बाई एन, एन दे रखा है इन्होंने 1.5 मतलब 3 बाई 2, 1.5. अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास सीधा रिजल्ट देगा, जितनी शिफ्टिंग ये इमेज करेगी उतना ही आपको उसको शिफ्ट कराना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के फोकस को. तो ये कैलकुलेशन आएगा 0.70 सेंटीमीटर. कैलकुलेट आप कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से, इतना काम तो आप खुद ही कर सकते हो. और कैलकुलेशन के बाद आपको जो वैल्यू देगा 0.70 सेंटीमीटर देगा, दैट मींस इतना ही फोकस आपको माइक्रोस्कोप का शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. थोड़ा सा इसमें डिले होगा. आप देखो ईयरफोन वापस कनेक्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया था इसलिए थोड़ा डिले हुआ, सॉरी फॉर दैट. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो ये 3-5 करती रहती हैं, अपने को इसी के साथ चलना है और चलना ही पड़ेगा. ठीक है, अब आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर, पहले कौन सा डील किया था भाई, 17 किया था, अब हो गया हमारे पास 18. तो 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन है. इसमें इन्होंने क्या बोला है पढ़ लो जरा. लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट पी एज सीन बाय द आईज इन द फिगर, समथिंग दे रखा है इन्होंने. पी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पी पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे, पी पॉइंट अपना जो दिया हुआ है वो किस लोकेशन पे दिया हुआ है, इस पॉइंट पे. और आईज की पोजीशन कहाँ है बेटा, आईज की पोजीशन टॉप पॉइंट पे है. यहाँ से ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है. यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इनका कहना क्या है वो देख लो, कि लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट पी एज सीन बाय द आईज, कहाँ पे उसकी इमेज दिखेगी वो अपने को बताना है. ठीक है, सॉरी 18 नहीं आया, 19 आ गया, चलो 18 फिर देख लेंगे, एक स्किप हो गई होगी मेरे से स्लाइड. ठीक है, तो अब अगर इमेज की बात आप करते हो तो ये जो बीच बीच में हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, एयर मीडियम है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एयर में रखा है. और ये क्या एयर मीडियम दिए हुए हैं तो इसकी वजह से कोई शिफ्टिंग होगी क्या, कभी नहीं होगी. दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट एयर में रखा और एयर के थ्रू कभी शिफ्टिंग तो होनी नहीं. शिफ्टिंग किससे होनी है, जबकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर मीडियम आप मटेरियल यूज करोगे तो यहाँ पे तीन मटेरियल आपने अलग अलग यूज किया, ये तीनों मटेरियल शिफ्टिंग 100% देंगे. ठीक है, कितनी शिफ्टिंग देंगे उसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या. ये टोटल 1 सेंटीमीटर एयर मीडियम यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर एयर मीडियम यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर एयर मीडियम यहाँ पे. तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का एयर मीडियम है तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता था, रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू. सही है, रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू. तो सबसे पहले मैं काउंट ये करता हूँ कि जो ग्लास सर्फेसेस दिए हुए हैं उनकी वजह से मेरे को कितना शिफ्टिंग दिखता है. रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू या एन. तो अपेरेंट कितना आ जाएगा बेटा, अपेरेंट की वैल्यू अगर आप देखोगे केवल तो अपेरेंट इज इक्वल टू रियल अपॉन एन. रियल मतलब यहाँ पे थिकनेस दे रखी है तो मैं टी अपॉन एन लिख दू क्या, अपेरेंट इज इक्वल टू टी अपॉन एन. तो ये तीनों कितना शिफ्ट करेंगे ये वैल्यू पहले कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग. इन तीनों की शिफ्टिंग अगर मुझे निकालनी है तो सॉरी शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, अपेरेंट मिलेगा यहाँ पे. अपेरेंट अगर मुझे निकालना है तो अपेरेंट इज इक्वल टू पहला हो गया टी वन अपॉन एन वन,
T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 प्लस T3 अपॉन N3। इन सब की अपनी वैल्यू प्लेस करोगे तो आपके पास क्या देगा ये? T1 अपने पास दिया हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 1.3 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4। अब इनकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको ये जो वैल्यू देगा वो अप्रॉक्स देगा 0.67। सब पॉइंट्स में ही आंसर आएगा और इनकी शिफ्टिंग जो अपेरेंट वैल्यू आएगी वो 0.67 आएगी टोटल। तो अगर ये वैल्यू 0.67 आती है, ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों की वजह से शिफ्टिंग कितना हुआ? 0.67 का अपेरेंट दिखाया। तो टोटल पोजीशन क्या दिखेगी वो बता सकते हैं क्या? टोटल 1, 2, 3 ये तो ऐड होगा ही होगा। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो मेरे पास इन सबको हटाने के बाद अब क्या बचता है वो देखो आप। इन सब की कैलकुलेशन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, अब केवल मेरे पास बचा 3.67। टोटल अपेरेंट जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा, अपेरेंट पोजीशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई 3.67 सेंटीमीटर। ठीक, अब टोटल वैल्यू कितनी थी? मींस 1.2, 1 प्लस 1.2 प्लस 1 प्लस 1.3 प्लस 1 प्लस 1.4। तो ये टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी 3.67। देख लो, 3 तो पहले से ही हो गया, प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4, तो ये हो गया आपके पास एडिशन 5, 9 हो गया और ये हो गया आपके पास 336। तो 6.90 सेंटीमीटर। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा वो भी देखना। वो कह रहा लोकेट द इमेज ऑफ पी सीन बाय द आई, मतलब ये आई कहाँ पे इमेज को सीन करेगा। तो ये तो हो गया आपके पास रियल पोजीशन और ये हो गया आपके पास अपेरेंट हो गया। तो आप पोजीशन शिफ्टिंग निकाल सकते हो क्या? कितना आ जाएगा दोनों को माइनस करोगे तो 0.2 सेंटीमीटर। दोनों को माइनस करोगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 0.2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? इसको 6 को अप्रॉक्स 7 कर दोगे आप, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 6 चल रहा नहीं है, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 3.7 माइनस होगा 6.90 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो उन्होंने पूछा है लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट पी सीन बाय द आईज इन द फिगर, उसकी लोकेशन क्या दिखेगी आपको? 0.2 सेंटीमीटर शिफ्टेड दिखेगी। सही है? तो ये पार्ट हो गया आपने पास। अब इसके बाद क्या बचा हमारा? एक क्वेश्चन 18 बचा हुआ है और वो कैसे रह गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ये भी शिफ्टिंग का ही क्वेश्चन है। इसको भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने किया क्या है, वापस वही कंटेनर है, उससे हम लोगों ने वेसल को फुल कर दिया किससे? लिक्विड से। और वेसल को जब लिक्विड से फुल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आज आ रही है वो दो हाइट पे लिक्विड फुल किया गया, एक 20 सेंटीमीटर की हाइट पे अलग है ये 20 सेंटीमीटर की हाइट तक आपने लिक्विड को फुल किया वो अलग है, ये 20 सेंटीमीटर तक किया वो अलग है, दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ये हो गया आपने पास 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर और N1 हमारे पास है 1.33 और N2 हमारे पास है 1.30। ठीक है, तो आपको निकालना क्या आप समझ रहे हो? अपेरेंट डेप्थ निकालनी है। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अपेरेंट इज इक्वल टू रियल अपॉन एन। पहले वाले का रियल हो गया आपके पास, अगर हाइट अवेलेबल है तो आपके पास हो गया कितना एच हो गया H1 अपॉन म्यू वन प्लस
एच टू अपॉन म्यू टू, ठीक है। एच वन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, म्यू वन कितना बेटा 1.33 प्लस 20 बाई 1.30, ये हो गया आपके पास अपेरेंट। अब इसको डिवाइड करके ऐड करोगे तो कुछ वैल्यू देगा 15.03 और 15.38, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 30.4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास अपेरेंट। तो ये चीज है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 से लेके टोटल 18-19 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अभी इसमें कुछ ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कुछ 26 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि अच्छे हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस पे हमको काम करना ज्यादा इजी है क्योंकि उसके ही कंसेप्ट रिपीट होते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग उसको जल्दी सॉल्व करते हैं। उसके पीछे आप कंसेप्ट भी चेक करते रहो कि कौन कौन सा कंसेप्ट आपको यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी सेकेंड वीडियो में मिलेगा अदर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन टोटल मैंने इस चैप्टर सेलेक्ट किया है, तो ऐसे स्लो स्लो मैं बनाता जाऊंगा, आप लोग अपने कंसेप्ट। हाँ एक चीज ध्यान रखना कि थ्योरी में अगर प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे प्लेन मिरर पढ़ाया गया, किसका वीडियो है, स्फेरिकल मिरर का कौन सा है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कौन सा है, स्नेल्स लॉ का कौन सा है, क्रिटिकल एंगल कौन सा, सबका आपको ए टू जेड मिलेगा, जेड सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।